फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मास्क की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो कपड़े लिए हैं। इसकी चौड़ाई 6 इंच और लंबाई 11 इंच लेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फिर दूसरा फोल्ड इस तरह करना है। बंद कपड़े की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। खुले साइड की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम इस निशान को दूसरे निशान से गोलाई करते हुए मिलाएंगे। इस तरह से इधर साइड भी गोलाई का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पर कॉटन का कपड़ा यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब मैं मास्क को काट कर दिखाऊंगी। इस तरह से कट करना है। इधर साइड भी इस तरह से काट लेंगे। मास्क कटिंग हो गया है। इस तरह से कटिंग होने के बाद दिखेगा। अब इसको बीच से भी काट लेंगे। और फिर इस तरह से दोनों कपड़े को मिलाकर सिलाई लगा देना है। इसमें भी सिलाई लगा देना है इस तरीके से। अब दूसरे में भी सिलाई लगा देंगे। अब सीधे की तरफ सिलाई करेंगे। अब इसमें हल्का हल्का कट लगाएंगे, क्योंकि ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कट लगाने से मास्क का फिनिशिंग अच्छा होता है। अब इसमें भी सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। फिर दोनों कपड़े को इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। अब इसके दोनों साइड सिलाई लगाएंगे।
दोनों तरफ सिलाई लग गया है। अब इसमें भी हल्का हल्का कट लगाएंगे दोनों साइड। अब मास्क को सीधा कर लेंगे। मास्क सीधी हो गई है। अब हम इसमें रबर लगाएंगे। मैं 5 इंच की रबर लगाऊंगी। आप अपने फेस के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसको बीच से काट लेंगे। फिर अच्छे से रबर को कपड़े पर सेट कर देंगे। अब मास्क के चारों ओर सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड भी रबर को सेट कर लेंगे। फिर इधर से भी सिलाई लगा देंगे। देख सकते हैं मेरा मास्क रेडी हो गया है। और ये मास्क मेरे फेस के लिए बहुत ही परफेक्ट बना है। इसकी फिटिंग मेरे फेस पे बहुत अच्छी आई है। ये मास्क बनाने का बहुत ही आसान तरीका था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।